की गई। इस संदर्भ में हम बात करते हैं भाई बीपी सिंह जी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं यहाँ के निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, कोटि कोटि धन्यवाद करूँगा, जिनका मेहनत जो है वो रंग लाया और आज जो है पानी हमारे एफ ब्लॉक में और जी ब्लॉक में आ चुका है। जो हमारी बोरिंग है एफ ब्लॉक पार्क में, जी ब्लॉक के पास में, तो इस बोरिंग के माध्यम से जो इसके आसपास के घर हैं तो वहाँ पे पानी का सप्लाई दिया गया है। और जिसका शुभारंभ हमारे यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं, जो गणमान लोग हैं, उन सभी ने मिलकर ये करा है और लोगों ने काफ़ी उत्साह भी दिखाई है और पानी का शुभारंभ मंगलम सिटी में हो चुका है। और यहाँ के हमारे सरपंच महोदय आने वाले थे अर्जुन सारन जी, लेकिन किसी आवश्यक कार्य की वजह से वो अभी आ नहीं पाए हैं। और ये जो मंगलम सिटी में पानी की व्यवस्था है, ये हमारे तीन बोरिंग है, एक तो एफ ब्लॉक में है, एक ई ब्लॉक में है और एच ब्लॉक में है। हमारा जो अगला कदम होगा वो अभी ट्रायल हम चाहते हैं कि करीब करीब 500 परिवारों को ये सुविधा मिले प्रेजेंट टाइम में, और फिर आने वाले समय में हमारा तो यही कोशिश रहेगा कि पूरे मंगलम सिटी में ए ब्लॉक से लेकर आई ब्लॉक तक सभी को पानी की सुविधा मुहैया कराई जाए। मेरा नाम रिचपाल सिंह ओला, एफ 104 एस की रेजिडेंसी मंगलम सिटी। आज बहुत ही बड़ी खुशी हुई, काफ़ी भाइयों ने, जिसमें स्पेशल रूप से यहाँ की जो सम्मानीय नागरिक हैं, साथ में कॉलोनी के जो निवासी हैं, और इसके अलावा भाई वीपी सिंह जी और जो उनकी टीम है, इनके योगदान से जो अपने हाउस की टंकियाँ हैं इनमें आज पानी की शुरुआत हुई। ये बोरिंग काफ़ी दिनों से बंद पड़े थे और काफ़ी जगह, तो आज इनकी शुरुआत हुई। एक दो जगह और भी चल रहे हैं, लेकिन हमें बहुत खुशी हुई कि जो धरातल पे कार्य होना चाहिए वो आज मंगलम के नागरिकों को इसका फायदा मिला और मिलना ही चाहिए। जिसे सर्वजन कहा है, सर्वजन हिताय का जो सिद्धांत है अपना, उस पर, और साथ में गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। इसके अलावा जो सार्वजनिक स्थान है, जैसे विद्यालय है सरकार की और साथ में पार्क है, और इसके अलावा जैसे पक्षी वगैरह हैं उनको भी राहत मिलेगी। कठिन घड़ी कोरोना भी चल रही है, साथ के अंदर काफ़ी भाइयों की आर्थिक कंडीशन खराब है, जो सबको समझते हुए मंगलम के नागरिकों के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। धन्यवाद सर, आपका शुभ नाम। मेरा नाम राजेश सोमानी है, मंगलम सिटी डी ब्लॉक में 41 नंबर में रहता हूँ। और कई सालों से हमारे मंगलम सिटी में सब लोग सुविधा से और विकास से वंचित थे, और अभी बोरिंग की सुविधा कर ली थी हमारे वीपी सिंह जी ने, अध्यक्ष साहब जो समिति के हैं उन्हें अच्छा खासा तीन बोरिंग कर रहा है, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक और अपना आई ब्लॉक, ई ब्लॉक में सॉरी। तो अभी आज ए ब्लॉक में पानी का कनेक्शन चालू करवाया है, अच्छा खासा पानी आ रहा है और सबको सुविधा दे दी गई है, और साथ में सीवर लाइन भी काम करवाया है उन्होंने, और अच्छे तरह से कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं आगे रोड का भी काम चालू हो जाएगा शॉर्ट टाइम में, और सब नेता लोगों के जगह जगह के काम कर रहे हैं। और हम वीपी सिंह के, हमारे अध्यक्ष साहब के, सब लोग मिलके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उसको प्रशंसनीय काम के लिए आशीर्वाद देते हैं, आगे ऐसे ही कार्य करते रहे। और ये जो ट्यूबवेल है बड़ा ही, इसमें मीठा पानी आया है, और कई जगह हमारे सरपंच साहब अर्जुन सहारन और हमारे वार्ड पंच मेरे छोटे भाई वीपी सिंह जी ने अथक प्रयास किया है और उस प्रयास में सफल हुए हैं, और इन्होंने वादा किया है कि पूरे मंगलम सिटी के अंदर पानी की व्यवस्था करके देंगे इसी तरीके से। और आज ये स्टार्टिंग है, शुभारम्भ है, और मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आगे भी ये इसी तरीके से अपने कार्य को करते रहें, और हिम्मत हम सब मिलकर देंगे इन्हें, पूरा मंगलम सिटी इनके साथ है और पूरा मंगलम सिटी इनको हिम्मत देगा। वीपी सिंह जी साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और जो भी ब्लॉक रह गए हैं उन ब्लॉकों को भी ये पानी से जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम योगी, 127।
सर यहाँ पे ये अपने मंगलम सिटी में जो ये पानी की व्यवस्था की गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी दिनों से बोरिंग लगे हुए थे, सरकार ने इतना पैसा व्यर्थ में डाला था। हम लोगों ने आपसी सहयोग से मिलकर ये पहल की, भाई वी पी सिंह जी को बुलाया और उनसे निवेदन करके हमने ये सब कुछ हमारे निजी खर्चे से चालू कर दिया। इसमें एफ ब्लॉक के सभी बुजुर्ग नागरिक व सभी भाई मिलकर सबने बराबर सहयोग किया। एडवोकेट सुरेंद्र मिल, जयपुर हाई कोर्ट। आज यह मंगलम सिटी एफ ब्लॉक के अंदर विधिवत रूप से सभी के सहयोग से आज पानी सप्लाई की गई है, जिसमें सभी मंगलम के आप लोकवासियों का या पूरी मंगलम सिटी का सहयोग से पूरे मंगलम में आगे ये सुविधा जारी रहेगी। धन्यवाद। मेरा नाम रोहित अरोरा है, मैं F127 फ्लैट F1 का निवासी हूँ और पिछले 2.5 साल से मंगलम सिटी में निवास करता हूँ। आज ये जो बोरिंग चालू की गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बोरिंग पिछले 1.5 साल के अंदर इस बोरिंग का निर्माण हुआ था, उसके बाद से ये बोरिंग कंटिन्यूसली बंद पड़ी थी। हम सभी ने वीपी सिंह जी के द्वारा इसको चालू कराने के लिए काफ़ी संघर्ष किया गया, लेकिन अथक प्रयासों के बावजूद ये चीज़ उस समय चालू नहीं हो पाई, क्योंकि उसके बाद लॉकडाउन लग गया था कोविड के कारण। उसके बाद F127 के सभी लोगों द्वारा और वीपी सिंह जी के प्रयासों से इस बोरिंग को दोबारा चालू कराया गया है और इसका उद्घाटन विधिवत तरीके से कर दिया गया है। और हम ये चाहते हैं कि अभी ट्रायल के बेसिस पे इसके अंदर कुछ लोगों को पानी दिया गया है और धीरे 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 जैसे इसमें प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लोगों को और पानी दिया जाएगा। और मंगलम सिटी में और दो बोरिंग और अवेलेबल हैं, हम चाहते हैं कि वीपी सिंह जी के प्रयासों द्वारा और लोगों को भी इसमें पानी दिया जा सके। मेरा नाम शुभ नाम रंजीत सिंह, गुरुद्वारे से ग्रंथ से। जैसे कि आपने देखा है मंगलम सिटी में अभी विकास हुआ है, पानी का सभी को कनेक्शन दिया गया है, बहुत अच्छा पानी निकला है। अपने मंगलम सिटी के अध्यक्ष हैं ये वीपी सिंह जी, वार्ड पंच, इन्होंने हर तरीके से अपना सहयोग दिया है। कोई भी काम हो, चाहे पानी हो चाहे बिजली, किसी के लिए भी अपना सहयोग बहुत तरीके से दिया है, हमें भी इनका सहयोग देना चाहिए। वीपी सिंह अभी कुछ दिन पहले अपने गुरुद्वारे में भी एक बोरिंग था, उसको भी चालू कराया वीपी सिंह जी ने, उसको भी चालू कराया था वीपी सिंह जी ने, उसका भी पानी बहुत अच्छा मीठा निकला है पानी। ठीक, कन्हैयालाल शर्मा आई ब्लॉक से हूँ मैं, और मेरे भाई वीपी सिंह जी ने जो ये संघर्ष रचा पानी लाने के लिए जो मेहनत की है, उसमें मैं उनका पूरा भागीदार सहयोग दे रहा हूँ। और मेरे जो यहाँ से आई ब्लॉक से लेकर के ई ब्लॉक ए ब्लॉक तक जो पूरा सीवर लाइन का है, जो भी कुछ संघर्ष लोग कर रहे हैं, वो उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे सरपंच साहब है सारण साहब, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, वो इतना कुछ हम लोगों के लिए कर रहे हैं। मैं ओनली एक नागरिक हूँ मंगलम सिटी में ही।